फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स काला पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। स्टेटिस्टिक पेपर 2 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। सारे थियोरी क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं बाकी। यहाँ पर मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आपके साथ आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। इसी तरह से मैंने स्टेट्स का फर्स्ट पेपर भी काला का अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स 2020-23 में मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर होने वाले हैं 12th कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज अभी तक आप सभी के पास इजीली अवेलेबल नहीं होगी गाला, बट ट्रस्ट मी, ये सारे पेपर्स ओरिजिनल है जो गाला अब एडिशन मार्केट में आने वाली है कुछ टाइम में ही। आप देख सकते हैं सेक्शन ए के सारे जो MCQs हैं वो इस तरह से हैं, उनके क्वेश्चंस। अभी हम आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, बट प्लीज़ उससे पहले आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट्स ज़रूर लीजिएगा। सेक्शन बी देख सकते हैं, उसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन 21-30, ये सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको इंटरनल ऑप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन डी स्टार्ट होने से पहले 28, 29 and 30 जो सेक्शन सी से ही है। सेक्शन डी में अगेन 31-38 क्वेश्चंस जो थ्री मार्कर्स क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक के ही है, जैसे 32nd क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 32th क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का ही है। टेक्स्चुअल सॉल्यूशंस के वीडियोस देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। और गाला की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है फॉर ईयर 2023, ठीक है, तो आप उसे भी चेक कीजिएगा। मैं रेगुलरली उसमें सारे वीडियोस ऐड करती रहूँगी। PDFs अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, GMHS स्टडी क्लासेस। मैं ये सारी PDFs वहाँ पर बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस सभी को देख लीजिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन ई, उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन एफ, आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा पेज। और उसके बाद है यहाँ पर कंटिन्यू, आप देख सकते हैं सारे इंटरनल ऑप्शन के साथ 46 टोटल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उसके बाद ये इनके आंसर्स, राइट, हम कोई भी आंसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए से सारे के सारे 10 MCQs के आंसर है। सेक्शन बी जो थियोरी क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर्स है, ताकि आपको कहीं पर भी ढूंढने ना पड़े। तो अगर मैं एडवाइस आपको करूं तो यही करना चाहूंगी कि आप पहले इस पेपर को, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख लें और अपने आप इसकी टेस्ट दें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद ये जो आंसर्स हैं उससे आप अपना पूरा टेस्ट जो आपने रिटर्न दिया है आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से करें तो आपको पता चल सकता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो अपनी टेस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस और उनके साथ साथ उनके आंसर्स भी दे दिए हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल ना हो पहले टेस्ट देना, तो आप आंसर्स के साथ उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो एज यू विश, आप जैसा करना चाहें, बट प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, राइट। और मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो ये सेक्शन सी, सेक्शन डी के भी आंसर्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जैसे 33 दो क्वेश्चन दिए गए थे, 33 and 33 इंटरनल ऑप्शन में थे, तो दोनों के ही आंसर्स यहाँ पर दिखाए गए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कौन सा स्टूडेंट कौन से को चूज़ कर रहा है, राइट, फर्स्ट वाला 33 या सेकेंड वाला, तो दोनों के ही आंसर्स दिए गए हैं। आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जैसे 35 भी दो क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें तो दोनों के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कहीं पर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला पेपर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कैसे टाइम कंज्यूम कर सकते हैं इजीली, क्वेश्चन के साथ उनके आंसर्स भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और लास्ट सेक्शन एफ तक भी सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट करके तो बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रहा है या नहीं, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।